नमस्कार जैन मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लाइफ चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मित्रों, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे सिद्धांत प्राणी एवं उनके जनक। सिद्धांत प्राणी एवं उनके जनक को यहाँ देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सिद्धांत प्राणी एवं जनक को। तो सिद्धांत या प्राणी एवं उनके जनक, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एक बार पुनः देख लें हम कितने सिद्धांतों को कवर करेंगे। तो यह है, आपको पूरा देख लीजिएगा कौन कौन से आपको कितने याद हैं और कौन कौन से नहीं याद हैं, तो वो यहाँ याद करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक तरफ से देखते चलेंगे। सबसे पहला क्या है, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो बात करें अगर नैतिक सिद्धांत के विकास की, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा वेट करेंगे आपके कमेंट का। और कमेंट के करने के बाद देखेंगे आप लोग किसका कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट करने के बाद तुरंत आंसर बताने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए नैतिक अवस्था अगर देखें तो सबको याद होगा जो हमारे कौन थे, लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय थे। लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत बताए थे। इसके बाद अगर करें बात मनोवैज्ञानिक विकास का, तो मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास किसने दिया था, तो मनोवैज्ञानिक विकास दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास दिया था। इसके बाद अगर बात करें भाषा विकास की, तो देखो भाषा विकास को किसने कहा था, चोमस्की ने। किसने दिया था, चोमस्की ने भाषा विकास को किसने दिया था, चोमस्की ने। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक सबको रटा होना चाहिए, किसने, जीन पियाजे ने। किसने दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को, किसने दिया था, जीन पियाजे ने। इसके बाद बात करें मनोसामाजिक सिद्धांत, तो ये दिया था इरिक्सन ने। किसने दिया था, इरिक्सन ने। तो मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने बताया था, इरिक्सन महोदय ने। इसके बाद नेक्स्ट है विकासवादी सिद्धांत, तो विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो आप शेयर जरूर करिएगा, हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सुपर टेट की तैयारी लगातार चल रही है, जिन अभ्यर्थियों ने अगर प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य देखें, वहाँ हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग सुपर टेट के कोई सारी वीडियोज पड़ी हैं। तो चलिए विकासवादी सिद्धांत की बात करें, तो विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो विकासवादी सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। देखिए कितने लोगों ने सही किया। इसके बाद विकासवादी सिद्धांत हो गया, किसने दिया, लैमार्क ने। इसके बाद नेक्स्ट है विकासवादी वंशानुगत सिद्धांत की बात करें, विकासवादी की बात करते हैं बात वंशानुगत सिद्धांत की, ये भी देख लेते हैं। तो इसको दिया था किसने, जॉर्ज मेंडल ने। किसने दिया था, जॉर्ज मेंडल ने। जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, वंशानुगत सिद्धांत को दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत को किसने दिया था, तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया को सिद्धांत को दिया था किसने, एल थार्नडाइक ने। किसने, एल थार्नडाइक महोदय ने दिया था। उद्दीपक एवं अनुक्रिया सिद्धांत को किसने दिया था, एल थार्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बी एफ स्किनर ने। किसने दिया था, बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत, तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो बताइए कमेंट करिएगा प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया। तो
ये दिया था एल क्लार्क, एल हल ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने। प्रबलन एवं पुनर्बलन, अब लिख करके लिख लेना, पुनर्बलन का भी सिद्धांत किनका है? हल महोदय जी का है। नेक्स्ट है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया था किसने? कोहलर महोदय ने। कोहलर महोदय ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किसने दिया था बताइएगा? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया? अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने क्या किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्न डाइक ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्न डाइक ने दिया। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी प्रयोजनवादी विचारधारा का सिद्धांत। प्रयोजनवादी विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था किसने? जॉन डेवी ने। किसने दिया? डॉन जीवी ने। ठीक है, जो नहीं याद है वो इम्पोर्टेंट है, ये समझ के आप लोग इनको याद करेंगे कि जो आपको नहीं आते नहीं याद हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है मानववादी उपागम। मानववादी उपागम को किसने दिया था? तो इसको दिया था इब्राहिम इब्राहिम मैस्लो ने। इब्राहिम मैस्लो ने क्या किया था? मानववादी उपागम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो चलिए मित्र इसी बात में देखिए कितने अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। जो सिद्धांत अभी तक आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे जो इतने सारे इम्पोर्टेंट होते हुए भी आपको नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इसी बात पर तुरंत अभी शेयर करिए, हम 1 मिनट वेट करेंगे, कम 1 मिनट आपके लिए वेट कर रहे हैं। तब तक आप शेयर जरूर करिएगा, और शेयर करने के बाद तुरंत बताइएगा हमें कि शेयर कर दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए शेयर हो जाए तो बताइएगा। शेयर होने के बाद हम चलेंगे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जैसे शेयर हो जाइए मित्रों बताइएगा, आपके लिए ये क्लास बिल्कुल फ्री और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी, चाहे वह यूपी टेट हो और चाहे वह सी टेट हो, चाहे वह भले ही क्यों ना सुपर टेट हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलो ने। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलो ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम किसने दिए थे? सबको पता होना चाहिए। किसने? थार्नडाइक। अधिगम के नियम किसने दिए? थार्नडाइक महोदय ने दिए। इसके बाद नेक्स्ट है निरर्थक शब्दों के प्रयोग। निरर्थक शब्दों के प्रयोग के बारे में किसने बताया है? तो निरर्थक शब्दों के बारे में देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए। कितना कौन सा? कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था एविंग हास ने। किसने किया था? एविंग हास महोदय ने। एविंग हास महोदय ने क्या किया था? निरर्थक शब्दों के प्रयोग किया था। तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? एविंग हास महोदय ने किया था। नेक्स्ट है टी ए टी। टी ए टी का जो है किसने किया था? तो टी ए टी का किया था मरे ने। मरे ने, ठीक है, कहीं कहीं पे मुर्रे लिख के आएगा। तो टी ए टी का जो परीक्षण किया था किसने किया था? मुरे ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एस ओ आर। एस ओ आर थ्योरी किसने दी थी बताइएगा? एस ओ आर स्टिमुलस, ये किस, ये ओ क्या होगा? रिस्पॉन्स। ऑर्गनिज्म किसने दिया था? तो यह दिया था बताइएगा आप लोग बहुत ही अच्छे, वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने दिया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। और नेक्स्ट है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है शरीर रचना का सिद्धांत। तो शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो शरीर रचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने।
किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था, ठीक है मित्र। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करने के बाद आपकी परेशानी का सलूशन निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो ठीक है, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, प्रणाली एवं उनके चरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।